सारी हिंदू बहनों से, हिंदू भाइयों से, एक हो जाओ, जातियों में बिल्कुल मत बटो। कोई आपसे पूछता है आप कौन हो, बिल्कुल मत कहो कि मैं जाट हूँ, मैं गुजर हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आप देखिए बांग्लादेश में हमारी जो हिंदू भाई बहनों की जो संख्या थी 22% थे, आज हम 2% पे आ गए। क्यों? एक हिंदुस्तान ऐसा है जहाँ पर मुसलमान 10% थे, आज 30% है। क्यों? तो हिंदुस्तान पहले भी हिंदू राष्ट्र था, है और आगे भी रहेगा। 57 मुस्लिम देशों ने नहीं दिया, हमारा एक हिंदू है जिसको उसको अब भी बहन बेटी समझता शेख हसीना को और ममता बनर्जी को बांग्लादेश भेज देना चाहिए। ममता बनर्जी आप यहाँ रहने के लायक नहीं है। आज से पहले अगर हम बांग्लादेश की स्थिति देखें और भारत में अगर आप कलकत्ता को उससे कंपेयर करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कैसे चीजें सीमावर्ती जो क्षेत्र है वहाँ तरीके से भारत में एंटर होना शुरू हो चुकी है। दिस इज रिचा फ्रॉम ऑर्गेनाइजर रिपोर्टिंग फ्रॉम द प्रोटेस्ट साइट। Here today, Nari Shakti Manch has organized a huge protest, and it is important to mention that it is a silent protest. A large number of people from all walks of life and from all age groups, they have come here to protest against the atrocities that are being committed against the Hindus and the minorities in Bangladesh. It is important to mention over here that people of all age groups, whether it is old, whether it is young, whether it is youth or whether it is men, women, everyone has come out in large numbers. They have expressed their voice calmly. They are wearing black bands to show their protest against what is happening in Bangladesh. It is extremely disheartening that what we saw in the past few days, it was heart-wrenching. Temples were vandalized, women were raped in Bangladesh. All the Hindus over here, all the women, all the protesters, they have raised their voice in a very, very silent manner about what has happened in Bangladesh. You can see behind me that there are people with the placards who have come, who are saying why Dalits have been molested out over there, why the minorities, not just the Hindus, the Buddhists, they too have also been the victims of the violence in Bangladesh. देखिए जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है वो समय दूर नहीं कि हिंदुस्तान में भी ये हो जाएगा, क्योंकि बहुत गहरी साजिश चल रही है हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी जिहाद के नाम पर, चाहे वो जमीन का जिहाद हो, चाहे इस्लामिक शिक्षा का जिहाद हो, कुछ भी हो, इन लोगों ने पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद करने का बिल्कुल ठेका ले रखा है। आप देखिए बांग्लादेश में हमारी जो हिंदू भाई बहनों की जो संख्या थी 22% थे, आज हम 2% पे आ गए। क्यों? आप पूरे विश्व का भ्रमण करके देख लीजिए, जहाँ जहाँ भी हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी, धीरे 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 कमते हुए हम 2% पे आ गए, कहीं 1% पे आ गए, कहीं 5% पे आ गए। एक हिंदुस्तान ऐसा है जहाँ पर मुसलमान 10% थे, आज 30% है। क्यों? हिंदू दबता जा रहा है और फिर ये कहते हैं हम इस देश में सुरक्षित नहीं है। और हिंदुस्तान, मैं ये कहना चाहती हूँ, हिंदुस्तान पहले भी हिंदू राष्ट्र था, है और आगे भी रहेगा। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर मुगल आए थे शरण लेने, किराएदार बनके। कोई किराएदार अगर किसी मकान में जाता तो वो वहां का मालिक नहीं बन जाता, वो कल को ये नहीं कह सकता कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, वो किराएदार था, है और हमेशा रहेगा। आपने हिंदुस्तान को खरीदा नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी अपनी सारी हिंदू बहनों से, हिंदू भाइयों से, एक हो जाओ, जातियों में बिल्कुल मत बटो। कोई आपसे पूछता है आप कौन हो, बिल्कुल मत कहो कि मैं जाट हूँ, मैं गुजर हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और अगर किसी भी हिंदू भाई बहन पे पूरे विश्व में, मैं कह रही हूँ मंजू बंसल, कि पूरे विश्व में हिंदू भाई बहनों पर कहीं पर भी अत्याचार होगा तो पूरे हिंदुस्तान की जितने भी हिंदू भाई बहन है, जितने भी हिंदू संगठन है, हम सब एक होकर उसका मुकाबला करेंगे। और अगर हमें जरूरत पड़ी तो इन रोहिंग्या बांग्लादेशियों को यहाँ से बाहर भी खदेड़ देंगे, ये भी हमें आता है। हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये जो भी बांग्लादेश में जो हमारी बहनों के ऊपर जो है अत्याचार हो रहा है, इसके बारे में आपको जो है क्या कहना है? मैडम देखिए, कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है। आप भी एक महिला हैं और इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकती हैं कि किस तरीके से महिलाओं को उनका फायदा उठाया जाता है और किस तरीके से हर बार, चाहे कोई भी विरोध भारतवर्ष में आज तक जो भी होता आया, चाहे हमारा देश आजाद हुआ और आज तक,
जब भी कोई भी इस तरीके के संग्राम होते हैं उसकी जो बलि चढ़ती है वो महिलाएं ही क्यों चढ़ती हैं? आपको जो है जो हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश में जो है अत्याचार हुए हैं, वहां पे मंदिर तोड़े गए हैं, उसके बारे में क्या कहना है? तो जिस प्रकार बांग्लादेश में महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है और मंदिर तोड़े जा रहे हैं, इससे ये साफ दर्शाता है कि अगर हम हिंदू कमजोर हुए या पीछे हटे तो यही हाल भारत में होते देर नहीं लगेगी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि भारत में जो है ये चीज होगी? मैडम, भारत में बिल्कुल लगता नहीं है, ना हम होने देंगे, उसी के लिए आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं। लेकिन आज से पहले अगर हम बांग्लादेश की स्थिति देखें और भारत में अगर आप कलकत्ता को उससे कंपेयर करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कैसे चीजें सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं वहां से किस तरीके से भारत में एंटर होना शुरू हो चुकी हैं। तो उसी चीज को रोकने के लिए आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये चीज हम लोग कलकत्ता से भी, वेस्ट बंगाल से भी उखाड़ फेंकना चाहते हैं। कलकत्ता में जो है एक महिला के साथ जो है रेप हुआ है और उसमें जो है ममता सरकार जो है अभी तक जो है कुछ खास कदम नहीं उठा पाई है, उसके बारे में आपको क्या कहना है? ममता सरकार को ये आज पहली बार ऐसा ममता सरकार के राज में नहीं हुआ है, हमेशा से होता आया है और अगर ममता सरकार वहां रही तो आगे भी यही होता रहेगा। इसीलिए वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए और ममता सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए, वहां की जनता को जागरूक होना चाहिए क्योंकि इसी तरीके से वहां पे सालों साल, आज आप देखिए फेसबुक इंस्टाग्राम पे लगातार इतनी रील्स और इतनी वीडियोस वायरल होती रहती हैं जिसमें महिलाओं को रोड पे काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, तो ये ममता सरकार इसमें शामिल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। We see that the women are against the Mamta government out over there. They want action to be taken. This is one aspect out over here. In Bangladesh, the women over here want justice. They are fearing that similar kind of situation might arise in India also if no action is taken by the government. Hindus are fearing, but Hindus are confident also that they will not let such action happen. Hum Hinduon ne beti samajhkar, behan samajhkar, hamare Hindu community ne unko saath diya, 57 Muslim deshon ne nahi diya. Hamara ek Hindu hai jisko usko ab bhi behan beti samajhta Sheikh Hasina ko. और ममता बनर्जी को बांग्लादेश भेज देना चाहिए। ममता बनर्जी, आप यहाँ रहने के लायक नहीं है। बहन बेटियों की आपने कभी सुरक्षा नहीं की है। आपने कुर्सी पर, चेयर पे बैठकर चोट माथे पे लगती थी, गले पे पट्टी बंधवाती थी, गिर के स्लिप हो जाती थी तो स्ट्रेचर पर आ जाती थी। ये ढकोसला बंद करो और हिंदुस्तान से प्लान करो। भारत माता की जय। जय जय श्री राम। पहले तो सबको सब क्यों जय श्री राम। बांग्लादेश में जो भी हमारे हिंदू बहन बेटियों के साथ में, छोटे छोटे बच्चियों के साथ में जो बलात्कार करा जा रहा है, ये बहुत गलत करा जा रहा है। अगर हमारे हमारे हिंदू भाई जहाँ भी रहते हैं कम संख्या में, चाहे पाकिस्तान लगा लो, अफगानिस्तान लगा लो, बांग्लादेश लगा लो, वहाँ पर हमारे हिंदू सेफ नहीं है। आज के टाइम पे हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर अगर ये 100 करोड़ होते और हम 20-21 करोड़ होते तो हम यहाँ सेफ नहीं होते। तो उसके ऊपर मैं ये बात बोल रहा हूँ, जो ये हो रहा है गलत हो रहा है। अगर इन्होंने मुसलमान जहां भी रहा है, जहां भी इन्होंने 40% संख्या इनकी हुई है, वहां पर इन्होंने इस्लामिक देश बनाया है। मैं तो सब भाइयों हिंदुओं को कहना चाहता हूँ, जागो जागो भाई जागो। हम भी अपना काम धंधे सब कुछ छोड़ के आ रहे हैं अपने भाइयों के साथ में। हमारे भाई भी आए, हमारे प्रधान जी भी आए। प्रधान जी, भारत माता की जाओ जी। मैं मंच लेता हूँ, करण नाम है मेरा, ठीक है। जैसे कि आप बंगाल में देख रहे हो, बंगाल में देखने वाली बात है, ये जो पीड़िता हो रही है, जितनी भी औरतों के साथ जो भी गलत कार्य हो रहा है, वो उसकी जिम्मेदारी हम किसी पब्लिक को नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक की क्या है, उस ममता बनर्जी को चुनने वाले कौन है? वो हम लोग ही, वो हमारी कमी है। अगर हम चाहेंगे ना तो ममता बनर्जी को हटाएंगे और दूसरी सरकार लाएंगे, राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे। लागू करने के बाद ममता बनर्जी से कहेंगे कि अपना इस्तीफा दो और दूसरा कोई अपना सीएम भी रहेगा। जो घर पे जो हिंदू बैठे हैं उनकी गलती ये है, भूलने की भूल जाते हैं। क्या भूल गए? कैसे देश बचाओगे? हिंदुओं की क्या गलती है? भूल जाते हैं। भूल गए कश्मीर में क्या हुआ, गोधरा कांड क्या हुआ, भूल गए। और दूसरी बात ये है, नुपुर शर्मा के साथ में क्या हुआ? अरे नुपुर शर्मा, अरे बंगाल में हो रहा है। दूसरी बात ये, अरे अगर किसी बात पे आ रही है, मेरा राहुल भाई है, इस पे कोई बात हो रही है, खड़े हो साथ में, एकता दिखाओ। राहुल गांधी नहीं, हमारा राहुल है ये, कहीं राहुल गांधी समझो। जातिवाद मत करो, हिंदू बनो भाई। जातिवाद मत करो कि मैं गुजर हूँ, जाट हूँ, कुछ भी हूँ, बस हम हिंदू है, सनातनी धर्म है, हम एकजुट होकर चले। आज हमारे पर दिक्कत आ रही है तो ये मत सोचो कि
कल आप पर दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत कभी पूछ कर नहीं आएगी, घर बैठे दिक्कत बताएगी नहीं, दरवाजा आपका खटखटाएगी नहीं। आज हम एकजुट होंगे तभी आगे बढ़ेंगे, हमारा देश बचाओ भाई, आपसे गुजारिश है एकजुट हो आगे आओ, बहुत बहुत आभारी होंगे आपके, आज आप देश बचाओगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी भी धर्म परिवर्तन ना करे, बस हम यही चाहते हैं। एक बात और बोलना चाहता हूँ, दूसरे क्या नाम है, दूसरे विचार पे बोलना चाहता हूँ, है इन्हीं के लिए, मुसलमानों के लिए, मैं कह रहा हूँ दिल्ली के अंदर केजरीवाल के सरकार के अंदर नाम चेंज करके राहुल नाम रख के, मेरा नाम सूरज नाम रख के 32 लड़कियों के साथ हिंदुओं के साथ में दिल्ली के अंदर हुआ, मैं उनके आप बोलोगे ना तो 32 लेडीज होके मैं फोटो ला दूंगा, वो क्या करते हैं, मेरा नाम राहुल है सूरज है, तो मैं कह रहा हूँ अब इनको पता लग चुका है, कुछ हिंदू जाग चुके हैं 50%, आने वाले टाइम में अब ये क्या करेंगे, मैं सोच रहा हूँ मैं ना बोलूं, इनके माइंड में ये चीज ना भरूं, ये क्या करेंगे। एक मेरा दोस्त है सुखी, उसके नाम है सोनू, अगर उसने अपने बच्चे का नाम रख दिया मनीष सोनू कुछ भी रख दिया, अगर आप बता सकते हो ये मुसलमान का बच्चा है, अगर वो यहाँ रहता है उसको पता है यहाँ पर ये मुसलमान है, ठीक है, ये नमाज पढ़ रहा है, अगर वो इंडिया गेट जा रहा है, लाल किले जा रहा है, वहां जाके किसी लड़की के साथ कॉलेज में जा रहा है, उसके साथ में कोई लेडीज के साथ में पटाने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ में वो क्या कहेगा, आईडी दिखा, आईडी लड़की बोलेगी, उसकी गर्लफ्रेंड दिखा देगा, बाप का नाम दिखा देगा, आने वाले टाइम में इनकी ये प्लानिंग चल रही है। ये जो 32 लड़कियों के बारे में आपने बात करी है दिल्ली में, ये क्या कन्वर्जन कर रहे हैं या क्या क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ये इनकी इनकी ये कन्वर्जन नहीं कर रहे हैं, और मैं ये चाहता हूँ, मैं कोर्ट से गुजारिश करता हूँ, मेरी एक बेटी है, मेरे दो बेटे हैं, और मैंने सोच रखा मेरी बेटी को मैं 5वीं क्लास तक पढ़ाऊंगा, क्योंकि आगे देखो मैं कानून से ये चाहता हूँ, अगर मैं अपनी बेटी को पढ़ा रहा हूँ, अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, किस लिए पढ़ा रहा हूँ, मैं उसको गलत जाने दूंगा, कोर्ट से ये गुजारिश करता हूँ भाई, हक माँ बाप का ही होना चाहिए भाई शादी करने के साथ। केरला के अंदर 32,000 लेडीजों के साथ में होया है, और वो लेडीज जब वो भागती वहां से भाग नहीं सकते, वो अफगानिस्तान में गिर चुकी थी, गिरने के बाद उसके कैमरे में देखा गया, फिर जो उससे पूछा जब द केरला मूवी बनी। सूरज हिंदू। टुडे वी आर सीइंग दैट द हिंदूज आर आस्किंग द हिंदूज ऑफ इंडिया नॉट टू गेट डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, दे आर अर्जिंग द पीपल, दे आर अर्जिंग द हिंदूज अक्रॉस इंडिया टू यूनाइट टू सेव देयर गर्ल्स। हियर दिस जेंटलमैन हैज हाईलाइटेड टू अस हाउ इन दिल्ली द मुस्लिम्स द इस्लामिस्ट दे आर कमिंग फॉरवर्ड एंड कन्वर्टिंग द हिंदू गर्ल्स इन टू इस्लाम। Here they are also asking the Hindus across India to unite and not to forget what are the atrocities that are being committed against them. They should not forget what happened in 2002. They should not forget what happened to the Kashmiri Hindus. They should not forget what happened to Nupur Sharma. This is Richa once again for Organizer.